आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पति के फाइनेंशियल माशूक के घर पर चला बुलडोजर, मकान की कीमत करीब 3 करोड़, नक्शा रिजेक्ट होने के बाद में निर्माण कराया। कानपुर विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें, विधायक इरफान सोलंकी की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई सील। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खास कोर्ट के पर धमकी देने का आरोप, कोर्ट में चल रहे मामले में गवाह को धमकी देने का आरोप। हरियाणा के सीएम खट्टर ने दिया उपहार, फरीदाबाद को लघु सचिवालय को मिली सौगात। वृंदावन में हेमा मालिनी ने खेली होली, गाया भजन, शाम रंग में मैं तो रंग गई और सब रंग झूठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे पर कोर्ट में चल रहे मामले में गवाह को धमकी देने का आरोप लगा है। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर ने पूर्व ग्राम प्रधान के पति को कोर्ट में गवाही न देने की धमकी दी है। मामला साल 2009 में रंगदारी और मारपीट का है। मामले में 14 मार्च को कोर्ट में पप्पू गिरी की गवाही है। गवाह पप्पू गिरी ने एसपी से धमकी मिलने की शिकायत की है, जिसके बाद एसपी ने गवाह को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। वो लोग मारपीट थे, वो हमसे रंगबाजी मांग रहे थे, वो प्रधान उस समय हम लोग थे, वो सुरंग, वो लोग रंगबाजी मांग रहे थे। उसी समय मुकदमा हुआ, मारपीट किए, मुकदमा हुआ तो हम गवाही कई बार हमको बीच में ऐसे कहे लो कि उठा लो, मत करो, हत्या कर देंगे। हम कहे नहीं नहीं नहीं, हम गोसाई हैं, शिव के पुजारी, किसी से डरते नहीं, बस शिव से डरते हैं। हम लोग भगवाधारी हैं, उठाएंगे नहीं, गवाही करेंगे। यानी इससे पहले भी आपको धमकी? हाँ, कई बार धमकी मिले थे। हम किसी से कहे नहीं कि अपनी बेइज्जती होगी। अब कल आया सम्मन कोतवाली से तो हुआ कि अंगद राय के खिलाफ आपको गवाही करना है, तो हम कहें हम करेंगे, करेंगे तो करेंगे, जो करना है करें। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ना। धन्यवाद बाबा। नहीं, बाबा आज मिले थे, उनके द्वारा बताया गया है कि 2009 का एक मामला लंबित है, जिसमें उनकी 14 तारीख में माननीय न्यायालय में गवाही है। सदर कोतवाली के रहने वाले हैं। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली को निर्देशित कर दिया गया है कि जो पीड़ित हैं गिरी साहब, इन्हें पूर्ण सुरक्षा के तहत इनका बयान कराया जाए, तथा उनसे भी आग्रह किया है कि जो विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें माननीय न्यायालय में वो अर्जी दे देंगे, उसके बाद उसको एक्सेस करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। फिलहाल उनको जो उनकी गवाही है 14 तारीख में, वो पूर्ण सुरक्षा में कराई जाएगी। कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी का आवासीय प्लॉट सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया गया। कानपुर पुलिस आज गाजियाबाद पहुंची, जहां विधायक का 300 वर्ग मीटर का एक प्लॉट है, जिस पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी पहले ही गैंगस्टर मामले में जेल में बंद है। ये कानपुर से मैं इंस्पेक्टर फील खाना हूँ, जो अपने 4 सदस्यीय टीम के साथ मधुबन बापू धाम थाने पर उपस्थित हुआ हूँ। ये इरफान सोलंकी जो वर्तमान समय में जेल में है, और इनके ऊपर थाना जाजमऊ कानपुर नगर से 156/22 UP गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है, जो थाना फील खाना से हमारे द्वारा उसकी विवेचना की जा रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक ही छत के नीचे कामकाज हो सकेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्षेत्रवासियों को लघु सचिवालय की सौगात दी है, जिसमें सभी कार्यालय और कार्यालयों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी कार्यालयों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाएंगे। बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने, इससे बढ़िया और क्या होगा। जब सारे काम एक छत के नीचे होंगे तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्योंकि पब्लिक को कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी कहीं, इस करके अब बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है।
मैं तो एक अपना भाई था संजीव डागर, उनका एक लाइसेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको चेक कराने के लिए आए। लोकार्पण हुआ है कल, सन 1964 से यहाँ पे SDM कार्यालय कार्यरत था, तो विभिन्न बिल्डिंगों में चलता रहा है। तो पहली बार विधिवत तौर पर एक उपमंडल परिसर यहाँ पे बना है। इस उपमंडल परिसर के अंदर जितने भी हमारे ऑफिसेज पहले कार्यरत थे पंचायत भवन में, वो सभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आसपास की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से एक ही छत के नीचे सारी ऑफिस जी, कोई भी ऑफिस है, DCP लगा लो, ACP लगा लो, पंचायत, जितने फूड सप्लाई है, बिजली बोर्ड का है, इतनी खुशी की बात है। ये सारे ऑफिस एक ही जगह आएंगे, सारे काम जनता को बहुत सहूलियत होगी। इसमें गरीब जनता जो चक्कर काटती है इधर उधर, गैर जगह चक्कर ना काट के एक ही जगह सारे काम होंगे। हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, तो एक ही जगह पर। सहारनपुर में माफियाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने खनन माफिया हाजी इकबाल को लेकर अपनी कमर कस दी है। इसके साथ ही पुलिस ने खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के परिवारजनों के पासपोर्ट जब्ती कर कार्रवाई की है। और भू माफिया हाजी इकबाल के परिवारजनों का पासपोर्ट जब्तीकरण का आदेश हुआ है, जिसमें कि हाजी इकबाल का पासपोर्ट पूर्व में ही जब्त हो चुका है, आदेश हो चुका है। और अब उनके पत्नी और बच्चे, उनके लड़के हैं जो कि जेल में है और विभिन्न अपराधों में, आपराधिक इतिहास है लंबा उनका, उनका भी पासपोर्ट जब्तीकरण का आदेश हुआ है, जिससे कि वो देश छोड़कर भाग न सके और उनको कानून का सामना करना पड़े। और जो भी उनके मुकदमे चल रहे हैं, उसमें कार्रवाई भारतीय न्यायालय द्वारा होती है। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाली प्रशासन कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर पीछे है। दरअसल मामला कानपुर का है, जहां BSc की छात्रा ने पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर शिकायत की है। पीड़िता के मुताबिक जब छात्रा कॉलेज जाती है तो कुछ दबंग छात्र को आए दिन परेशान करते हैं। ये छेड़खानी की थी हमारी लड़कियों के साथ, मुकेश मिश्रा ने, और देश मिश्रा का पुत्र है और शादीशुदा है, इसकी उम्र 37 साल की है, एक लड़की है, लेकिन ये हमारी लड़कियों को पढ़ने नहीं देता है। कहता है कि मैं तेरा करियर ख़राब कर दूंगा अगर 10 मिनट हमसे बात नहीं करोगी डेली पर डे, और हमसे मिलोगी नहीं। और ये 15 तारीख की बात है, 15 तारीख को ये हमारी लड़की को घेर के ये आगे बाइक लिए था, मैजिक में डालने की, ओमनी लिए था, ओमनी में डालने की कोशिश कर रहा था, तभी 3 लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद ये छोड़कर भाग गया। और आता है, कहता है पढ़ने नहीं देंगे, करियर तुम्हारा बेकार कर देंगे, और तेजाब डांट कर चेहरा ख़राब कर देंगे अगर मुझसे बात नहीं करोगी, 10 मिनट मुझसे बात करो, समय निकालो बात करने का। और कह रहा था अपना मुकदमा भी ले लो। हाँ, थाने में शिकायत करी थी। थाने वालों ने कहा कि इसमें गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं होता है। कमिश्नर सर ने कहा है गिरफ्तारी होगी। दिनांक 15 फरवरी को थाना शिवराजपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है, इसके ऊपर पूर्व में भी इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं, और मुकदमा दर्ज होने से लगातार पुलिस इसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अभी तक यह गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में चिकित्सालय में तैनात संविदा कर्मी का शव, पूरी घटना BKT स्थित राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय की है, जहां मृतक ऑक्सीजन ऑपरेटर के पद पर तैनात था। जानकारी के मुताबिक CMS ऑपरेटर अनूप शुक्ला बगैर किसी परमिशन के अस्पताल में बने कमरे में रहता था। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे अस्पताल में लाइफ लाइन मेडिकल डिवाइस औरंगाबाद जागीर लखनऊ का कर्मचारी, जिसका नाम अनु शुक्ला था, आज प्रातः 9:30 बजे हमें अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा सूचित किया गया को अपने कमरे में छत से लटकता हुआ मिला, जिसका सूचना तत्काल पुलिस एवं एजेंसी को दी गई।
कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है, वीडियो में एक पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आया है। लोगों ने जब रोका तो उसके पास लाइसेंस ही नहीं था, जिसके चलते लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये वीडियो आला अधिकारियों के संज्ञान में आया है, जिस पर DCP ने संबंधित अधिकारी को इस वीडियो की जाँच सौंपी है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई है, जिसमें मेरे द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारी को वह क्लिप प्रेषित की गई है कि प्रकरण में जांच कर लें, और यदि किसी पुलिसकर्मी का, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो, अगर उसमें उसकी कोई अपराध में संलिप्तता पाती है या उसके द्वारा कोई नियम का उल्लंघन किया गया है, तो निश्चित ही उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगामी होली और शबे बारात पर्व को लेकर ACP सृष्टि सिंह के नेतृत्व में आज मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर उपस्थित कई सदस्यों को दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई। बैठक में आए हुए जनप्रतिनिधियों और शांति समिति के सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। औरैया में आगामी त्यौहार को लेकर आबकारी इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष ने संयुक्त टीम के साथ देसी शराब, अंग्रेजी शराब एवं बियर की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर चेक किए, साथ ही शराब की बोतलों को भी बारीकी से चेक किया। उन्होंने बताया कि देसी शराब पर पेंटिंग की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न होने दें और साफ सफाई करवाते रहें। साथ ही कहा कि किसी शराब ठेके संचालक की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये होली के दृष्टिगत जो है, ये जनपद की सभी दुकानों को चेक किया जा रहा है कि इनके स्टॉक की पोजीशन ली जा रही है, और देखा जा रहा है कि कहीं भीड़भाड़ ठेकों के आसपास, क्योंकि देसी शराब में पिलाने की व्यवस्था रहती है, आबकारी विभाग की तरफ से अनुमन्य है, तो देसी शराब ठेकों को निर्देशित किया गया है कि बारी बारी से लोग आएँ और वहाँ कोई भीड़भाड़ इस तरह न लगे और किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। साफ़ सफाई जो है, जहाँ पर ये कैंटीन इनकी चलती है देसी वालों की, वहाँ पर ये लोग सफाई करते रहे। आगामी त्यौहार के चलते अमरोहा के संवेदनशील इलाके मोहल्ले में DM और SP ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया, जहाँ ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी कराई जा रही है ताकि कोई हुड़दंग न मचा सके। नमस्कार, अमरोहा जनपद में, अमरोहा नगर सहित पूरे जनपद में होली का त्यौहार और एक साथ जो शबे बारात का त्यौहार है वो शांतिपूर्ण बीते, इसके लिए DM और SP ने पूरी तरीके से अपनी नज़र बना रखी है। आज अमरोहा नगर के संवेदनशील इलाके में DM SP के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। इसके विषय में बात कर लेते हैं। जी विषय आज बताइए, जो आज आपने फ्लैग मार्च भी किया, निरीक्षण भी किया। हाँ देखिए, अमरोहा जनपद में कुल 1142 स्थानों पर होलिका दहन होगा और शबे बारात का भी जो जलसा का आयोजन किया जा रहा है वो जनपद में 7 जगहों पे है। इसके अलावा आज एकादशी के दिन भी 4 जगहों पे जुलूस निकला है। तो होली के त्यौहार को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए और जो साथ में सभी बारात के भी गंभीरता को देखते हुए, जगह जगह फुटमार्च किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसी क्रम में यहाँ नगर में हम और SP साहब भी थे, जो गश्त पैदल की गई है, और अभी थोड़ी देर पहले डिडोरी ब्लॉक के जोया में भी हम लोगों ने भी गश्त किया है, और बाकी सभी संवेदनशील स्थलों पे हमारे अधिकारियों द्वारा गश्त की जा रही है, जिससे कि शांति व्यवस्था के साथ इस त्यौहार संपन्न हो सके। असल अमरोहा शहर का छंगा दरवाजा इलाका था, जो पिछले साल जो है वहाँ पर एक बवाल भी देखने को मिला था, उसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? इस बार छंगा दरवाजा की जो पिछली बार घटना हुई थी, उसको देखते हुए बहुत ही हम लोगों ने काफ़ी फोर्स लगा रखी है और लोगों को ब्रीफ भी किया हुआ है, प्लस जो पहले नाम संज्ञान में उनके विरुद्ध मुचलका भी किया जा रहा है, पाबंद किया जा रहा है कुछ लोगों को, तो इस तरह से हमने कार्रवाई की है जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। हाँ, ड्रोन का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि जगह जगह कर रहे हैं, जिससे कि ये पूरी व्यवस्था बनी रहे कि छत पे कहीं कोई टुकड़े इत्यादि न रहें, इसका भी परीक्षण किया जा रहा है, उसमें उसको हटवाने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये तो जिलाधिकारी अमरोहा जो बता रहे थे कि अमरोहा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो, दोनों त्यौहार एक साथ आए हैं, ऐसे में यहाँ पर ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। विनीत अग्रवाल, प्राइम TV, अमरोहा। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।